हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ खुशी चौधरी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं फाइनली घूमने के लिए। रिदम के पेपर हो चुके हैं ओवर और अभी मैं कर रही हूँ बैकपैक। तो बैकपैक करने में बहुत सारा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। तो ये मेरी है फर्स्ट एयर ट्रिप, तो मुझे थोड़ा सा बहुत सोचना, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ। और मौसम इस टाइप का हो रहा है ना कि कभी बारिश हो रही है कभी बीच बीच में धूप निकल रही है, तो थोड़ा सा वो भी आइडिया मेरे को नहीं लग पा रहा है कि मैं कपड़े किस टाइप के लेके जाऊँ। पहले हम सोच रहे थे कि गर्मी वाले कपड़े लेके जाएंगे और अब बारिश हो के मौसम ऐसा हो गया तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ठंड वाले भी रख लेने चाहिए। तो देखते हैं कि मैं क्या क्या लेके जाती हूँ, उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ कि जब आप फर्स्ट एयर ट्रिप करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आप भी अपनी तैयारी कर लो। मैं तो देखो मैं मेरा मेरा ही कर पाऊँगी, आपको अपना करना पड़ेगा। अभी आप क्या करने में लगे हुए हो? हाँ, बैकपैक भी करेंगे बट मेरे को ये भी देखना है कि एयर ट्रिप जो अपन फर्स्ट कर रहे हैं वो सही तरीके से व्यवस्थित हो। तो ये देखो इंडिगो का मैसेज आया है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप चेक इन कर लो पेपरलेस। ओके, इसके लिए आपको डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, चलो डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर करेंगे चेक इन ताकि वहाँ कल हमारा एयरपोर्ट पे टाइम बचेगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं? यस, आजकल ये सुविधा शुरू हो गई है ऑनलाइन। ओके, तो फटाफट आप ये करो और उसके बाद में आप अपनी तैयारी कर लो। रिदम को देखाती हूँ कि रिदम ने अपनी तैयारियाँ की है कि नहीं। रिदम, अपना बैग पैक कर लो। क्या फील कर रही है, कल अपनी फर्स्ट एयर ट्रिप होने वाली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वेरी एक्साइटेड। तो बैग पैक कर लिया क्या, अपने कपड़े निकाल लिए? तो दिखाओ फिर क्या क्या लिए आपने। अच्छे से कपड़े दो तीन एक्स्ट्रा ले लेना और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लेना, क्योंकि दो तीन एक्स्ट्रा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो बारिश आ सकती है, मतलब आएगी बारिश। तो वहाँ पर जो हमने देखा है गूगल पे सर्च किया है तो बारिश मतलब बता रहे हैं, तो बारिश में हम घूमेंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे, वापस आके चेंज करना पड़ेगा, तो एक दो एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए, है ना। तो फटाफट से रिदम ने तो अपनी पैक कर लिया है बैग और साथ में क्या लिए कुछ तो छुपा रही है रिदम, दिखाओ जरा, पीछे वायर में उलझ के गिर मत जाना। पकड़ लो। क्या निकाल रहा है इसमें से? तो रिदम पता नहीं क्या लेने के लिए गई है, मेरे को दिखा नहीं रही है, छुपके सी कुछ तो कर रही है वो। तो रिदम ने तो भैया अपनी पैकिंग स्टार्ट भी कर दी है। वेरी गुड। अम्ब्रेला वगैरह लेके चलो, थोड़ा चटनी चूड़ा लेके चलो, भूख बहुत लगती है मुझे। और बारिश आने का मौसम है। ये सही किया रिदम आपने, अम्ब्रेला तो मतलब ऐसे बारिश के मौसम में होना ही चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये तो जरूर से रख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने बैग में एक टिकट के ऊपर आप 15 से 20 किलो, कईयों में आपको 15 किलो का वो मिलता है कि 15 किलो का वजन आप ले जा सकते हो, कईयों में होता है 20 किलो का। तो हमारी वाली में कितना है, 15? अपनी में जो केबिन में रखेंगे वो 7 किलो का है और जो अंदर लगेज में जाएगा वो 15 किलो का है। अच्छा, एयरलाइन वाइज डिपेंड करता है, तो अपनी टिकट इंडिगो में है तो उन्होंने लिखा है उस पर कि 15 किलो पर पर्सन आप सामान ले जा सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने बैग तैयार कर लिया है, तो इसमें अभी कपड़े आए हैं रिदम के और वजन हो चुका है इसका 7.4, मतलब 7.5 किलो मान लो। तो अभी तो हम कपड़े और भर सकते हैं, जो ज़रूरत है वो भर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी घेर के रखे हुए हैं कि कौन कौन से लेके जाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 दिन के लिए रहे और एक महीने कपड़े एक महीने के वाले फैला के रखे हैं। इधर ज्वेलरी बॉक्स रखा है, अभी तो ये डिसाइड नहीं किया है कि सेलेक्ट करेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने निकाल लिए, मतलब बाहर निकाल लिए अलमारी में से, ताकि मतलब थोड़ा सा इजी हो जाए। फ्रंट कैमरा करके बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्रंट कैमरा करते ही वो भाग जाती है। आज वो है ना हिंदू नववर्ष है, अच्छा, तो आज नवरात्रि भी है, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि।
और हम येलो येलो भी हो रखे है, येलो येलो डर्टी फेलो सुंदर फेलो तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी बैग पैकिंग। तो मैं क्या क्या लेके जाऊँ, मेरे को है ना बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे रील्स बनानी है अपने इंस्टा के लिए और शॉर्ट भी बनाने हैं बहुत सारे। तो मुझे ना ऐसे चाहिए कि मतलब आधे आधे घंटे में मेरे को ड्रेसेस चेंज करनी है। इतना सामान नहीं लेना वजन का पूरा ध्यान रखना है, उसी हिसाब से सामान लेना है कोई गाड़ी लेके नहीं चल रही है ये दिक्कत है। और फिर वहां से चौधरी साहब मेरे को शॉपिंग भी करवाएंगे तो 5-10 किलो का वजन मेरे को वैसे रखना चाहिए, है ना चौधरी साहब? सुना नहीं आपने क्या मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर 5-10 किलो वजन तो मेरे को वैसे कम रखना पड़ेगा मेरी बैग में, क्योंकि आप वहाँ पर कुछ तो शॉपिंग करवाओगे ना? शॉपिंग बहुत हो चुकी है <बन्नी मेरा। laughs> अभी वहाँ की शॉपिंग तो एक अलग ही मजा है ना, वहाँ से तो कुछ न कुछ जो पसंद आएगा तो मैं ले सकती हूँ ना। चलो देखेंगे नहीं हाँ कहो चलो जब तक बैग पैक किया है तब तक मैंने ये चेक इन कर लिया है तो इसमें एक तो बैगेज टैग्स ये अपने डाउनलोड हो गए हैं, ये कल वाले के जाने और ये हमारे हो गए बोर्डिंग पास। अच्छा इन चारों के बोर्डिंग पास है, दो सेट निकाल लिए मैंने। ये तो तीन ही है, एक दो तीन रिदम रिदम को यहीं छोड़ रहे हैं, रिदम को यहीं छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 अच्छा तो एक्स्ट्रा सेट मुझे पता नहीं। आपका बैग पैक हो गया है तो क्या? फ्रेंड्स मैं अभी बैग पैक कर रही हूँ, मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या लेके जाऊँ क्या छोड़ूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे को लेके नहीं जाना और बहुत छोड़ना भी नहीं चाहती कंफ्यूजन है बहुत सारी, तो मैं देख रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके जाऊँ। तो एक दो तो मैं साड़ियाँ लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ना साड़ियाँ का आजकल शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं साड़ियों में ब्लाउज बनाऊँगी अपने, शॉर्ट्स बनाऊंगी अपने, और कुछ मैं इस टाइप के मैं टॉप वगैरह भी ले जाती हूँ, तो कभी ऐसे जीन्स वीन्स पहनने का मन कर गया तो फिर मैं इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा कुछ कपड़े रख लेती हूँ। कैप वगैरह जो भी है आपके पास सारी की सारी ठूस लीजिए, शर्ट वगैरह जो भी है वो ठूस लीजिए, इस टाइप की कुछ है आपके पास इनर वियर तो ठूस लीजिए, और कार्गो पैंट आपके पास है तो वो भी ठूस लीजिए। ये इस टाइप के सारे जो भी है यहाँ पर हम अपनी बैग का वेट चेक कर रही है और एकदम खुद अपना कर रही है, मैं दिखा मेरा वेट तो चलो बैग मैंने पैक कर लिया है और उसका वजन देख लेते हैं अभी। 20 से कम होना चाहिए? नहीं 15 से ही कम होना चाहिए। तो ये 14.3 आ रहा है बट हमें 2 किलो कम रखना चाहिए एटलीस्ट ना, क्योंकि मशीन में दिक्कत हो सकती है वहाँ भी, तो इसको ओपन करेंगे 13 तो थोड़ा सा कम करेंगे, तो ये दूसरा बैग है ना इसमें ही कम है, वो तो हल्का सही है। ये वाला जो आइटम है ये आ रहा है, ये भी देखो टायर नीचे लग रहे हैं इसके, इसको भी वैसे बिठाना। तो ये भी ये तो 6.5 है, तो इसमें से 2 किलो वजन इधर डाल देते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने उसमें एक्स्ट्रा ही निकाल भर दिया, कुछ ड्रेसेस निकाल भी सकते हैं। लेके क्या जा रहे हो? छोड़ दे देना, 3 दिन के लिए जाना है, हम 1 महीने वाली तैयारी करके जा रहे हैं। हम चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बारिश आ गई है अपन थोड़े से घूमे बाहर निकले गीले हो गए तो आगे चेंज भी तो करना पड़ेगा। कौन होगा गीला? सोच के चलेंगे रिदम। मैं तो नहीं हूँगी, मुझे चिंता है मेरे गले की, बहुत दूर है। तो ये तो गले की चिंता कर रही है और हम तो घूमने के मजे लेंगे। ये खाली पड़ा है, निकाल दे इसमें से कुछ, क्योंकि ये तो आ चुका है निखिल। हेलो आप कौन भैया? आप कौन? मेरे घर में कहाँ से गुस्से चले आ रहे हो? आपने बोला निखिल अच्छा कैसे पता आप कौन? मैं आप कौन? वीडियो बनाने लगे क्या चल रहा है? बताओ बताओ ऐसे तो नहीं, अब आप चलो ये तो मेरा घर है। आप यहीं पे रहना, हम जा रहे घूमने। अच्छा नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगी। चलो हेलो 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 आई एम खुशी चौधरी। हेलो 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 अपनी फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना, साथ में चलेंगे फिर।
भाई साहब मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो। मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रुकना है फिर जाना है, मुझे ये बताओ। मेरे को तो घूम के आना है। ये आपका घर है? हाँ ये मेरा घर है। आप हाँ बोले जा रहे हो, आपकी बात पे मैं विश्वास नहीं कर सकता। जो बोले उसके अंदर आप पलट जा रहे हो।